वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं पेट लवर मुंबई कार, जो मैं आ चुका हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके एक नए टॉपिक के साथ। तो आज जैसे कि वसीम भाई ने पिछली वीडियो में बोला था कि इंशाल्लाह हम लोगों को जो है वो हैंड फीडिंग फार्मूला कैसे घर पे बनाते हैं वो बताएंगे। तो वसीम भाई से पूछते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आपका, फटफट वसीम भाई से पूछते हैं कि क्या तरीका है और क्या तरीके से वसीम भाई अपने बर्ड को खिला रहे और उनके बर्ड खरीदे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम भाई। तो वसीम भाई, हैंड फीडिंग फार्मूला जैसे आपने पिछले वीडियो में बोला था बताएंगे, तो क्या तरीके से आप बनाते हो, कैसा बर्ड्स के लिए कह रहे हैं हेल्थ? तो मैं हैंड फीडिंग फार्मूला, फिर अपन जैसे पेट्स लाइफ खरीदते हैं या A19 खरीदते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। अच्छा। और मैं जो करता हूँ, मैं बहुत सिंपल टेक्निक। A19 क्या रुपये चल रहा है? A19 चल रहा है कुछ 3,000 रुपये किलो आसपास चल रहा है। 3,000 रुपीज़ KG तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप एक सिंपल कर सकते हो, आप है ना ब्राउन राइस लीजिए, ब्राउन राइस, कच्चा की दाल, ये सब कच्चा आइटम, चने की दाल ले लो, सोयाबीन ले लो 1 किलो। सोयाबीन क्या रहता है? सोयाबीन बोले तो दाने आते हैं सोयाबीन के। अच्छा, वो सब कच्चा लेना है ना? कच्चा लेगा। और अच्छा मंगता तो फिर हरा मूंग ले सकते हो आपको, हरा मूंग तू पका लो। अच्छा, 4 इंग्रेडिएंट्स आपने बताए, चावल ब्राउन राइस, वाइट राइस, हाँ, उसके चने की दाल, सोयाबीन थर्ड, और एक अंडा, हाँ, पानी में डालो और उसको पकाओ। अच्छा, पकने का अंडा उबल जाएगा। हाँ। अंडे को बाहर निकाल दो। हाँ। और सब आइटम को ठंडा करने के बाद मिक्सर मार दो। अच्छा, मिक्सर मार के एकदम लिक्विड बना देंगे, एकदम लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, अंडे को स्क्रब करो और अंडे को भी मिक्सर मार दो। अच्छा, मिक्स कर दो, एक अंडा बहुत होगा। हाँ। 1 किलो में 1 अंडा बहुत होगा। हाँ। उसके बाद में आपको चाहिए तो जो स्वीट कॉर्न होता है। हाँ। स्वीट कॉर्न को छील देगा, काट देगा, स्वीट कॉर्न को छील देगा, कच्चा के पक्का? कच्चा कच्चा। अच्छा, और उसको ना मिक्सर मार के उसका दूध निकाल लेगा, एक कपड़ा रख देगा। हाँ। कपड़े में डाल के उसको छान देगा। अच्छा, उसका दूध निकाल लेगा। बराबर, दूध निकाल के दोनों को मिक्स कर दो। अच्छा, पका हुआ राइस का लिक्विड और स्वीट कॉर्न का। हाँ। मिक्स कर दो और धूप में कपड़े में सुखा दो। अच्छा अच्छा, सुखाने का 3-4 दिन, 4 दिन, 3 से 4 दिन सुखा दो। ये सब पकी हुई चीज को सुखा लेगा? हाँ। अच्छा, जब सुखाओगे ना भाई तो एकदम पापड़ जैसा लिक्विड, एकदम पापड़ बन जाएगा पतला, 3-4 दिन में। किसमें सुखा लेना? थाली में डाल के, कपड़े में सुखा सकते हो, कोई कपड़े में सुखा सकते हो। अच्छा। हाँ, उसके बाद में उसको ले लो, एकदम पापड़ जैसा बनेगा, उसको मिक्सर मारो। हाँ। और उसको पाउडर फॉर्म बना दो। हाँ। तो हल्का सा छान लो, जो गाढ़ा गाढ़ा हटा दो, बारीक निकाल लो। हाँ। तो उसके बाद में उसको हल्का एक गैस पे फ्राई कर लो, भूल लो हल्का सा, भूल लो हल्का सा, ब्राउनिश टाइप हो जाएगा। उसके बाद में एक बर्नी में भर लो और उसको खिलाओ बर्ड को। अच्छा भाई, माशाल्लाह आधे घंटे में, 1 घंटे में बर्ड को डाइजेस्ट होता है और बर्ड का साइज बेहतरीन पड़ेगा। इतना इजी है, मतलब ये बहुत इजी है। और मैं मेरे बर्ड को ट्राई कर रहा हूँ और मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है भाई, तो बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। ये सब पट्टे भाई हैंड फीडिंग के बहुत बहुत बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी पका हुआ आइटम है, एकदम बेहतरीन है। माशाल्लाह। तो ये जो इसको भर के रखे हो, ये आपका ही बनाया हुआ है? हाँ, ये मैं भी बनाया हूँ, खिलाया हूँ, उससे बास भी नहीं आएगी। एकदम A19 का लुक आ रहा है, A19 का लुक आ रहा है। अच्छा, तो इसमें कुछ और फार्मूला मिलाने की ज़रूरत है क्या? उसमें 100% सक्सेस है? हाँ। आप कितने बार अभी तक इससे पाल चुके? यही फार्मूले से? अच्छा अच्छा, क्योंकि क्या होता है, जो भी कॉकटेल है वो दाना बिना खा के पेट में डाइजेस्ट करके लिक्विड बना के खिलाते हैं। बराबर। तो हम क्या करते हैं, हम उसको पूरा जब पका रहे तो वो पूरा हमारा डिजॉल्व हो गया, और जब मिक्सर मार रहे तो लिक्विड फॉर्म हो गया, और जब तू सुखा रहे धूप में तो डिहाइड्रेट कर रहे हैं, उससे हम पानी निकाल दे रहे तो सिर्फ दूध बचता है, दूध। बराबर। और दूध को हम जब पापड़ बनने के, हम फ्राई को फिर गैस से अपना सॉरी मिक्सर मार के पाउडर बना के उसको। हाँ। फ्राई कर देंगे ना भाई, नंबर 1 पॉइंट मिला है आपके कॉकटेल अफ्रीकन बर्ड बजीज को। आप ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आप याद करो, बोले यार वसीम भाई क्या चाहिए। तो ये जो फॉर्मूला बताया वसीम भाई, ये कितने बर्ड्स के लिए यूज़ करना चाहिए, कौन कौन से बर्ड्स? अपने बर्ड हर बर्ड बजीज अफ्रीकन लवर्ड कॉकटेल का बिना यूज करो, ये 3 चीज। कनूर वगैरह को? कनूर को भी आप कर सकते हैं, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, 1 घंटे में। जो ग्रे वगैरह, अफ्रीकन ग्रे वगैरह को, उनको तो A19 A21 एक्सपेंसिव, वही फार्मूला है, इतना महंगा चीज़ है। मेरे तो मेरे कॉकटेल के बच्चों को दे रहा हूँ, 2-3 घंटे में पेट खाली पूरा। माशाल्लाह। याहू है, तुमको नियोपेप्टाइन या कुछ डाइजेशन की जरूरत ही नहीं। अच्छा। और याहू मतलब बर्ड की जो क्वालिटी आ रही है ना भाई, एकदम बहुत फैंटेस्टिक क्वालिटी आ रही है। क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते पेट्स लाइफ हो गया A19, तो ये यूज़ करो। बराबर। हाँ, अगर आपके पास A19 है तो उसमें 1 किलो में 100 ग्राम डाल दो। अच्छा, वैसे मैं एक आखिरी सवाल पूछेंगे, इंशाल्लाह वीडियो क्लोज करेंगे। जैसे कि पेट लाइफ का कुछ आधा किलो का पैकेट
आज के टाइम में 500 रुपये का हाफ के जी चल रहा है, 500 रुपये हाफ के जी। तो ये जो आप बताए इतना सब चीज़, तो आपने कभी कॉस्टिंग इसका निकाला ही होगा? नहीं, मैंने कॉस्टिंग नहीं निकाला, बट मेरे हिसाब से आपको चावल जो पड़ता है वो चावल 100 रुपये किलो है, एकदम हाई रेट पे अगर पकड़ोगे बासमती राइस। बट अपने को ब्राउन राइस चाहिए जो 50 से 60 रुपये किलो है। चना दाल आप लोग ऐसा बोले, एक किलो में आप क्या लोगे चना दाल, एक 200 ग्राम चना डाल ले लो, 200 ग्राम सोयाबीन ले लो, तो घुमा फिरा के आपको 200 रुपये भी नहीं बनेगा और आपका 1.5 से 2 किलो बन जाता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्वान्टिटी बढ़ जाती है ना। और माशाल्लाह एकदम नंबर 1 प्रोडक्ट है, आप खुद बनाओगे ना जरा भी बास नहीं आती है। बनाने कैसा, गर्म पानी में एक चम्मच डालो, स्टर करो, बहुत मिक्स हो जाता है इजीली, इंजेक्शन से ड्रो होशिला। इसमें चाहिए आपको थोड़ा नमक, थोड़ा शक्कर भी डाल सकते हैं आप टेस्ट के लिए, और भर दो। वैसे में बहुत से लोग क्या करते हैं, 3-4 किस्म की दाल लेते हैं, उसको आटा बना के पीस देते हैं, उसको भून के, बट क्या होता है भाई वो कुक नहीं है, तो बर्ड को डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम होता है। जब बर्ड खाता है तो उनका सलाइवर मिक्स होता है और बच्चों को खिलाते हो, तुम डायरेक्ट कच्चा खिलाओगे ना तो बच्चों के पेट में दर्द होने का चांस होता है। कि हम न्यू पर टाइम देते, ये देते क्यों, पका दो ना घर में। जैसा मैगी आता है रेडीमेड कुक रहता है, 5 मिनट में खाली आपने गर्म करो रेडी, तो इसी तरह आप कुक करके खिलाओ, बट धूप में 3-4 दिन सुखा दो, पूरा पानी निकाल दो। तो थैंक यू वसीम भाई, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने। मेरे लाइक कुछ भी होगा तो मुझे कॉल कर सकते हो, और अगर कोई भी मेरे फ्रेंड सब्सक्राइबर्स जो कोई भी हो गए जिसके फार्म है और उनको वीडियो बनाना है तो ये नंबर दिया हुआ है, नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह कामिल भाई आएंगे आपके इधर, आपके इधर वीडियो भी बना देंगे, या आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, तो इसके साथ आएंगे। क्योंकि इसी को अगर बहुत सारे बच्चे हो गए सेल करना, खुद से बोल रहे हैं जरूरी है भाई, क्या होता है ना भाई, तो बर्ड ब्रीडिंग करना बहुत आसान है, बट सेल करने के लिए आपको अच्छे बायर्स नहीं मिलते, तो उसके लिए आपको अगर वीडियो चाहिए तो हमारा जो कामिल भाई इंशाल्लाह विजिट कर सकते हैं आपके इधर। पैट लोवा मुंबई करके आईडी भी रहेगी, उस पर ईमेल डाल सकते हो आप, और पैट लोवा मुंबई का एक सपोर्ट नंबर भी रहेगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा इंशाल्लाह। उससे आप कुछ भी बर्ड बीमार है, बर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी आपका बर्ड में कुछ भी इशू है, तो इंशाल्लाह बेझिझक मतलब आप मुझे कॉल कीजिए, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपको जितना हो सकता है हेल्प करें कोई भी बर्ड के बारे में। तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आपने, बहुत अच्छा बताया कैसे बनाते हो उसमें, कोई जल्दी अपनी हुनर जो रहता है ना सीखा हुआ वो कोई जल्दी शेयर नहीं करता है, आप शेयर करें माशाल्लाह, व्यूअर्स से आज बड़ी बात है। नहीं, बहुत अच्छी चीज़ भाई, क्योंकि मैं भी जब किया ना भाई टेक्स में मुझे नहीं पढ़ रहा होगा, A19 तो पढ़ोता ही नहीं भाई, इतना महंगा पता है, क्योंकि एक बार आप लेते हो 1500-2000 का, अगर इसको A19 खिलाओगे पेटला जो एवरेज ही रहेगा, ये बना हुआ है माशाल्लाह, टेंशन नहीं और वेट भी मतलब कम नहीं, और मैं तो माशाल्लाह मेरे हर बर्ड बड़े बर्ड को पकड़ के देता हूँ इंजेक्शन, और बहुत इजीली है, बहुत आसान है बनाने का, और इंशाल्लाह ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक बताइए कैसा रहा, इंशाल्लाह कमेंट में फीडबैक कीजिए। तो थैंक यू, देखते रहो पैटला मुंबई का, अल्लाह हाफिज़ की हमारे।